हेलो दोस्तों, गेन न्यूज में आपका स्वागत है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो आज दुनिया में एक जाने माने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में गिना जाता है। लेकिन इसके ऊंचाई को छूने की चाहत को जोर तब मिला जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे देश के 72वीं इंडिपेंडेंस डे में एक महत्वपूर्ण घोषणा किए। इस घोषणा में उन्होंने इसरो के एक मिशन के बारे में हमें अवगत करवाया जिसके तहत इसरो महाकाश में इंसान भेजने जा रहा है। लगभग 10,000 करोड़ का ये मिशन 2021 या 22 तक लॉन्च होगा, जिसका नाम रखा गया है गगनयान। और इसी गगनयान मिशन के बारे में कुछ अनसुने बातें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। गगनयान प्रोग्राम के तहत 3 लोगों वाली क्रू महाकाश में भेजा जाएगा और वो 3 लोग लगभग 7 दिनों तक वहां रहेंगे। इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 और मंगलयान के बाद ये तीसरा और एक बड़ा मिशन होने जा रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए तो कॉस्टिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में भी 124 बिलियन का खर्चा लगने की उम्मीद जताया जा रहा है, जिसे पूरा करने में भी 7 साल का समय तक भी लग सकता है। 2021 या 22 तक लॉन्च करने वाली इस मिशन के लिए महाकाश यात्रियों को बेंगलोर में ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग में रशिया भी हमें मदद कर रहा है। इस मिशन को लॉन्च होते ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने महाकाश में इंसानों को भेजने में सफलता पाए हैं। तब भारत USSR, चाइना एवं USA के बाद चौथा ऐसा देश बन जाएगा। हालांकि डेनमार्क ने भी महाकाश में इंसानों को भेजने वाली मिशन को 2022 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड यानी हॉल के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक अनक्रूड मॉडल का भी 2014 में परीक्षण किया गया था। ये उन कुछ परीक्षणों में था जैसे कि पैड एबोर्ट टेस्ट, री एंट्री स्पेस कैप्सूल, और अगर बाई चांस कोई फेलियर हो जाए तो उसको ध्यान में रखते हुए सेफ क्रू इजेक्शन मैकेनिज्म जैसे टेस्ट भी किए गए हैं। गगनयान मिशन में करीब 3.7 टन वजन का एक स्पेसक्राफ्ट होगा। 3 क्रियो वाली इस स्पेसक्राफ्ट को इसरो के बेहतरीन GSLV-MK3 लॉन्चर के द्वारा भेजा जाएगा। अभी तक के प्लान के मुताबिक इसे लॉन्च के 16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी के ऊपर वाले ऑर्बिट में प्रवेश करेगा, जो कि धरती से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर में स्थित है। इसके अगले चरण में क्रू अपने 7 दिनों के मिशन के बाद क्रू वाली कैप्सूल पैराशूट के सहारे बे ऑफ बंगाल में उतरेगा। मिशन को खत्म करने के बाद पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए लगभग 36 मिनट का समय लग सकता है। इसरो जिस स्पेसक्राफ्ट को इस मिशन के तहत लॉन्च करने वाला है उसका साइज US के जेमिनी स्पेसक्राफ्ट से थोड़ा बड़ा होने वाला है। इस जेमिनी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा 1965 में नासा इंसानों को स्पेस में भेज चुका है। तो दोस्तों, हमारा इसरो हर बार की तरह इस मिशन में भी जरूर सक्सेसफुल होगा। इसी आशा के साथ आज का ये सफर यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।